पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया था नागनीगढ़ में आपके स्कूल में, मगर देखने को मिला सुबह से हमारे मास्टर जी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कारकुनान हैं, आपके गांव में आए, आपके घरों तक पहुंचे हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि सुबह से सिर्फ 10 लोगों ने वैक्सीन कराई है। जहां तक इस वैक्सीन का ताल्लुक है, कोविड अभी यहां से नहीं गया, ना हिंदुस्तान से गया, ना जम्मू कश्मीर से गया, ना किसी वर्ल्ड के कोने से गया, अभी कोविड चल रहा है। इस वैक्सीन से आप लोग बच सकते हो, हम लोग बच सकते हैं। जो भी आपके गांव में वैक्सीन कराए बगैर हैं, आप यहां के मेंबर हैं, आप पे फर्ज आयद होता है कि आप यहां के लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि इस वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, फायदा है। ये वैक्सीन कराओगे, आपका घर, आपके बच्चे, आपका मोहल्ला, आपका गांव बचेगा। क्योंकि कोविड ऐसी बीमारी है, आप देखिए इस वक्त लाखों की तादाद में पूरे वर्ल्ड में लोग मरे। इसलिए आप मेंबर साहिबान हैं, आप बुजुर्ग हैं यहाँ के, यहाँ हमारे मास्टर जी ये भी इधर के हैं, ये आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं कि वैक्सीन कराओ। मगर बदकिस्मती ये है कि सुबह से सिर्फ 10 बंधु ने कराई। हमारी इल्तिजा है आपसे कि अगर गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जगह जगह सेंटर कायम किए जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने गांव के लोगों को अवेयर करो, उनको बताओ कि वैक्सीन करना कितना ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इस इंजेक्शन, इस वैक्सीन के लगाने से कोई खतरा नहीं है। हम सब ने, हम मुलाजिम हैं, हम सब ने ये वैक्सीन दूसरी डोज भी करा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, बल्कि हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम सेफ हैं। इसलिए आप यहाँ के मेंबर हैं, नागरीगढ़ के मेंबर हैं, ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का भी फर्ज है, ये करीम साहब भी सोशल वर्कर हैं यहाँ, इनको भी चाहिए कि लोगों तक पहुँचाएँ बात कि ये वैक्सीन के लिए अगर यहाँ कैंप लगता है, आपके गांव में मुलाजिम आ रहे हैं, नहीं तो एक वक्त था आपको ठकरा ही पहुंचना पड़ता, आज आपको घर में मुलाजिम आ रहे हैं, हेल्थ के मुलाजिम आ रहे हैं ये वैक्सीन लगाने। मगर बदकिस्मती है इस वक्त शायद टाइम 1-2 होगा, 1:30 बज गया, सुबह 10 बजे से शुरू है और 1:30 बजे तक सिर्फ 10 बंधु ने लगाया है। इतना बड़ा गांव है आपका नागरीगढ़ ऊपर तक है, कम से कम सुबह से यहाँ 50 बंधुओं की वैक्सीन हो जानी चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि आप जोग दर जोग जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो यहाँ आएं, वैक्सीन कराएं और अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को बचाएं। नहीं सर, हमने तो घर घर जाकर बोला लोगों को, और पहले हमने खुद सरपंचों और पेचों ने खुद वैक्सीन करवाया। ये जो अफवाहें हैं लोगों में, जो अफवाहें फैल रही हैं कि ऐसा होगा, हमें वैक्सीन हमने खुद करवाया और कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही अफवाहों पे लोग चलते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि इस आफत से इसी वैक्सीन के ज़रिए बच सकते हैं और कोई ज़रिया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि इतनी कीमती वैक्सीन बनाती लोगों को मारने के लिए। ये गलत अफवाहें हैं, लेकिन मेरी गुजारिश लोगों से यही है, इल्तिजा है कि वो आगे आएं, वैक्सीन करवाएं, पहला डोज करवाएं और दूसरे डोज की तैयारी करें, क्योंकि हमारा इलाका अभी तक सेफ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। इसलिए हमें चाहिए कि तैयार होना और वैक्सीन करवाना।